ऐसा करते हैं, पहले कटहल डालते हैं फिर उसके बाद आम डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, संजू की दर्द भरी कहानी इसी की जुबानी सुनते हैं। मुझे लगा ही था कि सफ़र इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं चढ़ा। मुझे भरोसा था फिर भी अपने आप पर कि मैं कर पाऊँगा। जैसे ही मैं ऊपर पहुँचा, वहाँ पे मेरे हाथ में ये भी था, एक तरफ तो मुझे अपने आप को संभालना था, एक तरफ मुझे इसे भी संभालना था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं और नरेश यहाँ पर दिवाई से, दिवाई वाले रोड पर है फिलहाल, और मैं आपके लिए बता देता हूँ, मैं फिलहाल जा रहा हूँ अपने ननिहाल, अपने ननसार जा रहा हूँ घूमने के लिए, मैं और नरेश। और नरेश तो करीब 8 या 9 साल बाद जाना है समथिंग। वैसे नानी नाना से बहुत बार मिल चुका है, लेकिन ननसार जाके नहीं मिला, और ये काफ़ी एक्साइटेड है। और अभी हम दिवाई से आगे आ चुके हैं और फिलहाल हम ननसार की तरफ ही जा रहे हैं, सो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और तू भी बहुत, चलते हैं। हैं और सीधा आपके लिए ननसार जाके मिलते हैं। दोस्तों अभी हम यहाँ पे जो हमारा ननिहाल है उसी गांव के पास आ गए हैं, बस थोड़ी दूर पर है, बस कुछ ही देर हम पहुँचने वाले हैं। आपको पता चल के दिखाते हैं यहाँ पे, जैसा ये मैं नज़ारा दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की सड़क है यहाँ पे, गांव के बिल्कुल पास ही है। हाँ सो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं तो पर, और ये नहीं उसको है क्या भाई, मिलेगा नहीं हमसे? कैसा लगा ये बता, हमसे मिल के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जोर से जोर में बोले यार, बहुत अच्छा, बस आराम से बोले यार। नानी तबीयत तबीयत कैसी है? सही ना, ऐसे ही खाटा पड़ो में भावे ने लगता था। अच्छा सही ना बेटा, नाना कहाँ है? गाँव में, कौन से गाँव में? अच्छा गांव में कितनी घूम रही है? अच्छा अच्छा। और भाई इतने कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। छुट्टी चल रही है? हैं हाँ पता ही, मेरे तो छुट्टी चलनी चाहिए, तो मैं आयो यार, एक्साइटमेंट देख ना रही यार, वो जो होनी चाहिए पता चल गई ना। हैं पता चल गई? हाँ पता क्या चल गई तुम्हें? बुआ जी का फोन आओ। ओ ये बात, ये बात, ये बात, कॉल आई है? कॉल तो उठाई नहीं गई, जाओ ना अभी आओ, पिंकू बीन का फोन। चलिए तो ठीक है, एटलीस्ट हम पहुँच चुके हैं। तो गाइस अभी मैं और ऋतिक जा रहे हैं खेत की तरफ, कौन सा वाला खेत है? बावन वाला खेत, वहाँ पे पानी वानी लगा रहे हैं मामा, तो वहीं पे जा रहे हैं मैं और ऋतिक, देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। तो गाइस अभी हम खेत की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी अंधेरा हो रहा है, फ्लैश लाइट जला के वीडियो बना रहा हूँ, नीचे एकदम से अंधेरा है और खेत पर लगभग पहुँचने वाले हैं, और ख़तरा थोड़ा सांप वगैरह का भी है, इधर भी देख कैमरे की तरफ यार। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले हम खेत पे गए थे मैं और ऋतिक, वहाँ से लौट के आ गए थे, काम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हम तीन लोग जा रहे हैं, मैं ऋतिक और नरेश, उसी खेत पे, और रात के करीब 10 बज रहे हैं और 10 बजे जा रहे हैं और काम ख़त्म करते हैं और फिर लौट के आते हैं, फुल सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, डंडा है साथ में। सो गाइस खेत से हम जो है काम ख़त्म करके आ चुके हैं, और वहाँ से लौटने के बाद में नरेश देखिए ऐसा उल्टा पड़ा है जैसे कि नोट करो, तू तो ऐसे पड़ा है जैसे कि तू ही काम करके आया हो, और ऋतिक भी यहाँ पे आके बैठा हुआ है, कभी कभी गेम डाउनलोड करने जाएगा, कभी कुछ करने जाएगा। दोस्तों अभी नींद भी आ रही है और सोने का टाइम हो गया है, सोते हैं और सीधा कल सुबह ही मिलते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, सो अभी सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुका हूँ, और इधर ये देखिए गोलू मोलू अभी सो ही रहे हैं, और धनरेश भी सो ही रहा है। मैं सबसे पहले उठ के बैठ गया और करीब 6:15 का टाइम हो रहा है, पूरी रात एकदम से ऐसे सोए, और सोने के बाद पता ही नहीं चला पूरी रात किधर गई, मतलब एक बार सोए और एकदम सुबह आँख खुली, मतलब एकदम ज़बरदस्त नींद आई, और इन लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त नींद आ रही है, अभी तक उठे ही नहीं। रहते उठ उठ, 6 बज गए, 6:30। नरेश उठ, उठो 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 उठो, गोलू बोलो उठ, उठ गोलू बोलो उठ, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल,
अरे यार गणेश तो ऐसे ही आदमी। अभी हम लोग उठ चुके हैं और थोड़ा मुंह मुंह धो के थोड़ा बाहर की तरफ घूमने के लिए जाते हैं। कर कर और ये देखिए नरेश यहाँ पे सुबह ही सुबह क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर। अब मतलब शक्ल नहीं दिखाएगा, वाह बस बस रहने दे, मतलब ऐसे भी तेरी कमजोरी है क्यों लवी? और ये लवी देखो सुबह सुबह उठ के आ चुकी है, है ना नी? हाँ ऊपर जा रहे हैं बस हम, नाना अभी सो ही रहे हैं, चलो ऊपर चलना है। चलो 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 अम्मा के बार बंद कर दियो। मामा ही जगे तुम जगे चार बजे तुम, मैं 3 बजे तो सोई है चाय पीते हुए, बट मैं चाय नहीं पीता। लवी चाय पिला जा, लवी चाय ना पी, बोला हम ही बेवकूफ़ चाय पीते। बहुत बढ़िया, अभी तो रिते कह रहा था मैं चाय नहीं पीता। चाय ऐसे दूध है, वाह लवी तो कभी चाय नहीं पीती। अरे ये तो वाकई में दूध है, ये अच्छे बच्चे हैं वाकई में यार, हम ही गंदे बच्चे हैं। तो लवी और रितिक तो अच्छे बच्चे हैं भाई, दूध पीते हैं तो घर में दिक्कत आवे। मामा हो गए, चलो चल रहे चलो चल रहे माओ आए हैं तो पहले यहाँ थे, कैसे लगता है कैसे लगता भैया वहाँ पे भेट पाएगा? यहाँ पे वीडियो बना रहे सब, चल चल गए यहाँ पे, यहाँ वीडियो बना रहे सब। गई तो भैंस सॉरी ऐसी देख रही है कि आ गया हम कोई कसाई वसाई है का है, हमें कसाई वसाई सौ दिया फरसा फरसा सौ लेकर डोल लेंगे। तो किस लग रहा है आगे बता, कोई की मिट्टी मिट्टी कौन परवा रहे हैं? गे हमारे पापा ने परवाई है, कौन परवाई है? अच्छा गे मिट्टी कौन परवा रहे हैं हमें? अच्छा ओ या गूलर के, गूलर या गूलर के पहले गूलर बहुत खाते हैं हम। तो गाइस अभी हम सब लोग चाय वाय पी के बगिया में आ चुके हैं और चारों तरफ आप ये देख सकते हैं हरियाली हरियाली। और अभी हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं? कटहल का, कटहल तोड़ने, कटहल काटने। देखो ये लेके इससे काटेंगे कटहल। और चारों तरफ ये देख सकते हैं आप व्यू, एकदम चारों तरफ एकदम से हरियाली हरियाली। आम दिखा, आम बहुत ही जबरदस्त सीन दिखा, जूम कर करके। आम कहाँ है? और ये देखिए आम पेड़ पे लगे हुए हैं आज, यहाँ पे ना बाग बहुत ज़्यादा है, अमरूद के भी हैं आम के भी हैं। समझो यहीं की बात है, पहले जो आते आए सांप यहाँ पे परमानेंट रहते हैं। एक सांप रहते हैं, नाली ना यहाँ पे पतली सी बात, कच्ची नाली, एक छोटा दौड़ा निकल रहा है यहाँ पे पक्की है। तो हम खेत पे जा रहे हैं, खेत पे जाके कटहल बटहल काट के लेके आते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं और कटहल का पेड़ देखो ये रहा पीछे, और बहुत ऊपर जाके कटहल का पेड़ है, मतलब कटहल बहुत ऊपर जाके है। हमारे पास क्या है काटने के लिए, ये अगर कोई ऊंचा सा कोई डंगा टाइप का होता ना उस पर लगा होता ये तो आराम से कट जाती। ये चढ़ने की बोल रहा था ये अभी, लेकिन लग रहा है किसी भी एंगल से ये 2-4 दिन पहले दवाई खा के उठाया, ये चढ़ जाएगा ऊपर। चढ़ जाऊँगा मुझे पता है यार, बहुत बड़ा टारगेट है यार। वाली कौन सी है? गे तो बहुत ऊपर है यार, नीचे थे कौन सी है? अब गे कौन कौन से, दो पेड़ कौन कौन से ये बता। अच्छा तो कौन सी तोड़वे, कई कौन सी, नो कई के एक पे तो यहाँ पे कहा है फिर, यहाँ पे तुम्हें तो दिखाई दे रही नहीं में चले जाऊंगा। लेकिन ये ऊपर तक कैसे पहुंचेगी? ये भैया डंगे हाथ से ले जाओ लोगों को, काटू ले जाने पर ये कैसे ले जाओ हमने तो। ए रस्सी तो बांध लो अपनी कमर में, रस्सी कहां है? मैं चल रहा हूं, मैं वो नीचे बांध ले हो। दोस्तों यहां पे मिशन की शुरुआत हो चुकी है, यहां पे मिशन कटहल के लिए मैं ऊपर चढ़ रहा हूं। हां तू वैसे ही है, ये कितने ऊपर चढ़ के आ रहा है यार, फंसा पैर में। ओए देखिए दोस्तों ये इतनी ऊंचाई तक चढ़े, मैं अभी कुछ मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका हूं और यहां तक का रास्ता काफ़ी कठिन था, लेकिन अभी मुझे काफ़ी ऊपर जाना है। हाथ में ये है और नीचे से तुम सब लोग वहीं अटके रही हो, अगर ये हाथ में से गिर ना तुम्हारे लगा हो सर में आके साइड में रहो। ये नादान बच्चे साइड में जाते हुए, ओ नादान ना तू भी हटिया साइड में, नादान बच्चे साइड में जाते हुए।
समझदार तेरे ऊपर छोड़ देगी ये तो। अरे भाई मैं कैमरा मैन हूँ, मुझे नीचे रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ऊपर चढ़ना तो मुश्किल है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो जो हाथ में लग रहा है हजिया टाइप का, उससे भी साथ में ले जाना और ज़्यादा कठिन है। तो हम साइड में हट जाते हैं, क्या पता हमारे ऊपर गिर गया तो हमारे दो पीस हो जाएंगे। दो पीस ना होंगे, चांदी फटेगी खाली, दो पीस हो जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लाइट का बैलेंस यहाँ से ख़राब हो रहा, क्योंकि सूरज सर इधर से आ रहा है, बहुत ही घना जंगल है। अरे यार क्या कर रहा है, देखिए ट्राइपॉड को घुमा रहा हूँ। मतलब एक बाग टाइप का है यहाँ पे, उसी के बीच में ये पेड़ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लाइट अच्छे से आ नहीं पा रही है। मैं आपके लिए गिफ्ट, क्या है ये कटहल, बताइए गाइस ये हमें कैसा गिफ्ट दे रहा है, किसका गिफ्ट है, किस लिए? आप इसे खा सकते हो? खा तो सकते हैं, मतलब किस लिए दिया है? ना कोई मेरा शादी के लिए एडवांस में, मेरी शादी के लिए एडवांस में, अभी तो काफी टाइम है मेरी शादी के लिए, इसलिए इसको बचा के रख और ज्यादा अच्छा बन जाएगा ये। तो देखिए दोस्तों ये पता नहीं ऋतिक क्या ढूंढ रहा है इस जंगल में, क्या मिल गया भाई तुझे? देखिए इसको आम मिल गया, तो इसे ही उठाने चला आया है यहाँ पे। चलो वो पड़े हैं, कहाँ है, मेरे पड़े हैं। देखिए दोस्तों इसको ढेर सारे आम मिल गए हैं, एक बोरा यहीं पे पड़ेगा। सही है पका हुआ, देख लो भैया। हाँ हाँ सही है, सही है ये, मतलब ऊपर से गिर के दब गया। लो मेरे तो लो, एक साथ रख लो, बाद में खा लेंगे। ये पकड़ लो ना, तू क्या ये संजू भैया, आम दब कर हम खा लेंगे। संजू मतलब कटहल तक, कटहल तक पहुँच चुका है, लेकिन कटहल इतनी ज्यादा ऊपर है और वो उसको वहाँ से काट के गिराएगा और पता नहीं यहाँ तक नीचे गिरेगी तो बचेगी या नहीं, फट भी सकती है, देखते हैं क्या होता है। देखिए कहाँ पर चढ़ा पा रहा है वो, बहुत ही ऊंचाई पर है कटहर बो रही। देखिए ये ऋतिक क्या कर रहा है पता नहीं, इसमें से बेल आ रही है, ये पता नहीं किसकी बेल है, इस पर लटक के झूल रहा है, बदमाश। भाई हैवी वेट है तुझमें, भैया उठाओ। देखिए दोस्तों ये फिर ड्रामा करने लग गया, एक बार तो गिर गया फिर दोबारा से झूल रहा है इसमें। तो आपको दोबारा से गिरने के बाद कैसा लग रहा है बताइए? हम झूल लेते हैं, आप चले जाओ, उठा रहे हो तो उठाओ। और देखिए दोस्तों द ओनर ऑफ संजू के ब्लॉग्स अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हाँ जी हट गए बिल्कुल, रास्ता क्लियर है, काम खत्म करो, लैंड करा दो कटहर को नीचे। तो दोस्तों अब ये देखना है कि ये कटहर बचती है या नहीं, फट भी सकती है। ओ भाई, ओ भाई कटहर गिर चुकी है, अब देखते हैं, अब देखते हैं वो बची या नहीं। इधर आई थी, ओ भाई गॉड यार कटहर पूरी तरह से फट चुकी है, हट गया कटहर, फट चुकी है भाई, भाई देख सकते हैं, देखिए कटहर फट चुकी है यार इसके। ये पक रही थी क्या? पक रही है का? यार मेरे को ना पता पकी हुई, देखिए पिलपिली आ रही है। हाँ पिलपिली सी है पूरा, यार यहाँ मुझे दूध निकल रहा है यार सब, ना है पक रही है का? ये तो पक रही है भैया, ये तो पक रही है, ये तो पक रही है, तभी तो फटी है, और ना बिना पकी कैसे फट जाती। तो इसको लेके चलते हैं, अम्मा ही देख के बताएंगी बन सकती है या नहीं। ऐसा करते हैं पहले कटहल डालते हैं, फिर उसके बाद आम डालेंगे, वरना नीचे डाल दिए पके हुए आम फट जाएंगे। किनारे से कर, किनारे से ठीक कर, आम डाले। तो देखिए दोस्तों संजू नीचे आ चुका है, भैया सीधे में सीधा पड़ा, मेरा हाथ थक रहा है, जल्दी कर हट जा। तो चलिए दोस्तों संजू की दर्द भरी कहानी इसी की जुबानी सुनते हैं। तो बता भाई क्या हाल हो गया तेरा? ये जैसे मैंने यहाँ से शुरुआत की तो मुझे लगा ही था कि सफ़र इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी
मैं चढ़ा, मुझे भरोसा था फिर भी अपने आप पर कि मैं कर पाऊँगा। ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, अनबिलीवेबल मिशन था जिसे करना मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा, लेकिन कठिनाई बहुत ज़्यादा थी। एक पल के लिए तो मुझे बीच में ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से लौटना पड़ सकता है। जितना ऊपर जाना था मेरी सांसें फूल रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मेरी सांसें फूल रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, वहां पे मेरे हाथ में ये भी था, एक तरफ तो मुझे अपने आप को संभालना था, एक तरफ मुझे इसे भी संभालना था। अगर ये नीचे गिरता तो मेरे ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं था, मुझे वापस नीचे जाना पड़ता। और जैसे ही हम रास्ते में जा रहे थे, हमें काफ़ी छोटी छोटी टहनियाँ मिली जो मेरे ऊपर चढ़ने में बाधाएं बन रही थी, लेकिन मैंने उनको काटते हुए, इसी से अपना रास्ता साफ करते हुए मैं ऊपर गया, एटलीस्ट ऊपर पहुँच गया। तो मैंने धीरे धीरे करके इसे काटा और एटलीस्ट जो है टूट गई। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो भाई, तो दोस्तों अब चलते हैं घर की ओर। जो हमारा मिशन था उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो गाइस, अब ये जो लवी जो है, कटहल जो मैंने काटी थी उसे बुग्गी पर रख के चल दी थी, उससे सदी नहीं, और उसने रास्ते में गिरा ली वो आगे जो आपको दिख रही होगी। इतनी मेहनत से कटहल तोड़ी थी, लेकिन उसका हुआ क्या कि ज़्यादा हाइट से गिरने के बाद में कटहल फट गई। बट कोई नहीं, अब घर चलते हैं, जाके मुझे भी नहाना भी है। कटहल तो फट चुकी है, और वैसे भी आप मेरी कंडीशन देख के पता लगा ही सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी होगी ऊपर चढ़ने में। कटहल का पेड़ कोई आम नीम या ऐसा नीम जैसा कोई साधारण पेड़ नहीं होता, उसे चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। और जहाँ टहनी कट रही वहीं से सफ़ेद सफ़ेद ऐसा दाग से पड़ना शुरू हो जाते हैं। सो चलते हैं घर और नहाते धोते हैं। सो गाइस, अभी वहाँ से आने के बाद में मैंने अपनी शर्ट जो धो दी, का बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, और इधर भी नरेश आराम कर रहा है, और ये दोनों का प्लानिंग है कि ट्यूबवेल पर जाके नहाना है। दोनों की प्लानिंग है, झूठ नहीं बोल रहे तुम, दोनों की प्लानिंग है ट्यूबवेल पर जाके नहाना है। नहीं नहीं, और इधर नाना बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले महाभारत देखी थी इन्होंने, और पंखे में कर रहे हैं आराम। नाना अच्छा परेशानी है, लवी को बहुत जल्दी है जाने के लिए, ट्यूबवेल पे नहाने के लिए बहुत जल्दी है। इधर 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 काट के नीचे छुप गई। ये कैसे लग गई, ये चोट कैसे लग गई, पता ना कायदे मार ली, खुंड छुटा लो। ले क्या कसू, ले क्या रुई हुई है, रुई ले क्या, रुई खुंड छुटा लो, लगी ना है रुई तो ले ले, ले ले रुई तो दवाई है हमें। नवीद अपने छोटे छोटे हाथ घुसा ले आई में। जिंदगी इसलिए रहे। सो गाइस, अभी हम घर से आ चुके हैं और ट्यूबवेल पर नहाने के लिए जा रहे हैं। नरेश नहीं नहाएगा, ये घर पर ही नहाएगा। मैं, रितिक और लवी, हम तीन लोग ट्यूबवेल पर नहाने के लिए जा रहे हैं, और देखते हैं। वहाँ ट्यूबवेल पर मैं नहा चुका हूँ पहले, लेकिन आपके लिए फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ, तो ट्यूबवेल पर जाके दिखाते हैं। और ये है ट्यूबवेल पर जाने का मार्ग, किधर होकर जाना है, इधर सीधे ऐसे ऐसे, अभी इधर मुड़ रहा है, उधर टॉप लाइन, अच्छा आगे से। और ये देखिए चारों तरफ ग्रीनरी। कौन सी शैम्पू लेके आई है, चिच पैसे लिए, चिच है। चलो तो चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, और इधर है आगे की तरफ बाग की तरफ है ट्यूबवेल। मोर की आवाज आ रही, कितनी अच्छी आवाज है ना मोर की। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ के नजारे, और इधर की तरफ ट्यूबवेल है, इधर की तरफ शायद चल रहा है आवाज आ रही है। चल रहे हो, चल आवाज़ से आ रही है,
इधर ही तो है वो वहां पे बोले तो लोग नहा रहे दिखे यार चली ना रहा बेवकूफ है अबे चल लो दिखे आवाज आ रही है लो दे सुना रही है ना चल लो दोस्तों हमारे लिए बैड न्यूज हम ट्यूबवेल पे आए और यहाँ पे ट्यूबवेल चल ही नहीं रहा बंद पड़ा हुआ है और दूसरे वो कौन सी सोलर सर्विस पे चले वो नहा गए गए वहाँ पे चल रहे चलो वहाँ पे देखते हैं वहाँ नहा लेंगे चलो तो यहीं चल रहे ये खबरी इसको भेजा था हमने ट्यूबवेल चल रहा है कि नहीं गलत खबर दिया चलो चलो कोई दिक्कत नहीं दूसरा तलाशते हैं दूसरा का चल रहा होगा तो वहाँ पे जाके नहाते हैं दोस्तों आगे हमें एक ट्यूबवेल यहाँ पे मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्त आपके लिए बता देता हूँ हमारे अनुसार जो यहाँ पे ट्यूबवेल्स की कमी नहीं है बहुत सारे ट्यूबवेल हैं समर है तो यहाँ पे हमें एक और समर सोलर पैनल की जो है ट्यूबवेल है वो हमें मिल गया है मैं आपके लिए दिखा ये आप देख सकते हैं ये सोलर प्लेट लगी हुई है पहले ना यहाँ पे ट्यूबवेल हुआ करता था हम यहाँ पे नहाते थे यहाँ पे ट्यूबवेल होता था पहले और यहाँ पे नाली इधर निकली हुई थी यहाँ पे लोट के नहाते थे खूब नहीं पहला कुआं यहाँ था यहाँ पे उस वाली कुंडी में नहाते थे दूसरा ट्यूबवेल यहाँ पे लगा उसके बाद में तीसरा लगाया वहाँ पे ठीक है और कपड़े चेंज करने के लिए देखो उधर जाया करते थे उधर कपड़े चेंज करने के लिए और ये है सोलर पैनल सोलर सर्विस तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं पानी फिर भी है इसके नीचे बैठ के नहा ही सकते हैं कुंडी नहीं है ज़्यादा ये देख सकते हैं ठंडा पानी है लेकिन यहाँ पे कुंडी नहीं है इसके नीचे बैठ के नहाना पड़ेगा और ये देखिए सोलर प्लेट कितनी ज़्यादा सोलर प्लेट है ये देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में सोलर 1, 2, 3, 4, 5, 10 सोलर प्लेट हैं और एक प्लेट मेरे ख्याल से 200 वाट की होगी ये देखिए और इतने किधर गया वो देखिए दोस्तों उधर आम का बाग बहुत ही घना बाग है और ऐसे बहुत सारे बाग हैं यहाँ पे बागों की कमी नहीं है और जल्दी नहाओ भाई जल्दी नहाओ देरी मत करो जल्दी नहाओ जल्दी लाइट चली जाए लाइट अरे लाइट कैसे चली आई मैं सोच रहा हूँ लाइट कैसे चली गई सोलर प्लेट है लाइट कैसे चली आई तो देखिए गाइस यहाँ पे लवी नहा चुकी है अब यहाँ पे संजू नहाने के लिए जाएगा और इतने नहा रहा है अभी कुंडी यार होती यहाँ पे बड़ी सी तो ज़्यादा मज़ा आता हम पिछले वाले टूर पर गए थे वहाँ पर थी लेकिन वो चल नहीं रहा था अब ये सोलर सर्विस चलती रहेगी देखिए यहाँ पे ये मलिंगा नहाने जाता होगा और यहाँ पे हमारा छोटा मलिंगा यहाँ पे शैम्पू लगा रहा है संजू अब पूछ दे थंब लेने के लिए पूछ दे नल से तो बैठ रही है दोस्तों पानी की गहराइयों में चारों तरफ पानी ही पानी देखिए इसको पता नहीं इसी मिट्टी की कुंडी में ही आनंद आ रहे हैं कोई ऐसा बच्चा लग जाएगी आते नहाते आमियों के मजे ले जा रहे हैं देखिए आज यहाँ पे ये किसका पेड़ है आप देखकर बताइएगा अगर आपको पता हो तो लेकिन इसकी इस पेड़ की एक बात बताया मुझे बचपन में जब हम ये जो पेड़ था इसके ये जो कांटे कांटे से हैं इन्हें छुटा के पता नहीं किन किस किसी चीज़ का शीशम का शायद वो जो पत्ता था उसमें रख के खाते थे इसको और ये बोलते थे कि ये पान है देखिए दोस्तों ये पागल हो चुका है फुल एंजॉय यस ये बहुत भारी आदमी है मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा सब मैं तो उतारने वाला हूँ उतारे मत पटक दे पटक दे पटक दो
पटको ना हो लग जा रही तेरे। हम तो आम कुछ ही करते हैं भाई, और कुंडी होती ना तो और ज्यादा मजा आता है, जिसमें कुंडी थी वो चली नहीं रहा था। सो गाइस मैं अभी नहा करके आ गया हूँ। ये लवी, लवी भी नहा करके आ गई है। इसे बहुत जिद कर रही थी कि नहा पे चलो, टूवेल पे नहाने चलो, तो सोचा चलो नहा ही आते हैं। वैसे मेरी इच्छा तो नहीं थी आने की। और इधर ऋतिक भी नहा के चल दिया। अरे कपड़े तो पहन लेता ऋतिक, ऋतिक कपड़े घर लेके नहीं आए बॉस। वाह कोयल बुला रही है, कोयल क्या देख रहा रहते, बहुत बढ़िया। अरे तू नाच के दिखा रहे थे, मान जाएंगे, नाच नाच ना। मैं पानी पानी तू कपड़े बदल, कपड़े बदल, तू कपड़े बदल, कपड़े बदल। नानी आराम कर रही है, पंखा तेज करता है पंखा, बिजली धीमी है। नाना कहाँ पे, नाना बाहर सो रहे। तो गाइस अभी यहाँ पर देखिए मैं बगिया में आया हूँ, और ऋतिक जो है भैंस खोलने के लिए आया हुआ है, और भैंस खोल खोल के छोड़ दिए ऐसे ही, अपने आप जाने लगे घर में। अब चारा खाने का टाइम हो गया ना। लवी गैया खोल अपनी, गाय में बाद में जो खुलेगी, अभी खोल खुलेगी। अच्छा वहाँ से नहाने के बाद में, जब मैं आया था ट्यूबल पर नहाने के बाद में, और कुछ घंटे आराम किया, उसके बाद में फिर इधर आ गया। एक दो घंटे बाद मैं सीधा घर की तरफ ही निकलूँगा, और शाम होने का वक्त है, जैसे धूप थोड़ा ढलेगी तो उसके बाद में घर की तरफ निकलूँगा। और हिसाब तो खोलियो, मार ना देगा ये चली गई हो। हे यार कहाँ जा रही है, पल्ली खाट जाके मार, आगे जाके मार, इन्हें खा रही है। चलो, चलो। इसकी साइड से मारी है, तू चलन दे, बस बस चली जाएगी। चलो अब चली जाएगी, तेरे पैर में अटक गई ना, आगे गिरेगी ऐसी ऐसे लेके जाते ना ये तेरी। अब तू खिलाएगा चारा, ओए मार 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 मार, मार। सो गाइस अभी हम निकलने वाले हैं घर की तरफ, और मैं और नरेश रेड्डी, और हाँ बोलो नानी, बोलो तुम, बोलो तू आ जाएगी। हाँ आ जाऊँगा मैं, होंगी तो। हाँ तुम ही तो आएंगे। हाँ आ जाऊँगा मैं नानी, आ जाऊँगा मम्मी भी मीठे से। हाँ मक्का पक रही, तुम अभी मैं सुनो, मैं जाएगा भी मिता, वो काम है वो करना है, मतलब अलीगढ़ जाता हूँ। तू अब तो तुम कहाँ पर आ जा, वही तो मैं कह रहा हूँ, टाइम ही कहाँ है, सावन में आते हो तुम, सावन में आ जाएगी वहाँ पर ना चला नहीं। तो गाइस अभी हम निकलने वाले हैं घर की तरफ, सीधा मैं घर जाके मिलता हूँ। नाना चलो फिर, नमस्ते नाना, जा रहा बेटा। हाँ कब आ रहे हो तू, मैं सावन में आ सकती हूँ, सावन में, सावन में, हाँ सावन में आ जाइए बेटा। हाँ अपनी माँ भेज दे, सामान तो बाहर कितने दिन रहेगा सामान, डोल जाकर बेटा। हाँ डोल जाता हूँ मैं, देखो रात को डोल जाकर, देखो वो क्या कहते हैं भजन की शादी पे कई बार आएगो, जब ते मैं आवाएगो मैं तो आते रहे तो गे लेट आते हैं, मैं डोल जाकर हूँ यहाँ ते, क्यों गे ना आते नीले। हाँ हाँ नरेश ना आते, इन्हें कहा जाकर वो पढ़ी में बिजी है भाई, वो बीमार है वो, बाबा दिमाग मुँह माल में तुम्हें सब नीचे ज़्यादा तेज दिमाग हुआ को बहुत लंबे सोच सकते हो तुम बताओ, वो बीमार नहीं हो तो फर्स्ट क्लास आ रही होती, अब पेपर तो क्या खराब है बीमारी की वजह। हाँ जा बेटा अब आराम से जाओ, और अपनी मम्मी अपनी मम्मी है भेज देंगे। चलो ठीक है, चलते नाना है, नमस्ते जाके बेटा, नमस्ते आशीर्वाद, नमस्ते नानी, नमस्ते भाई। गाड़ी छह बजे का। सो गाइस अभी रात हो चुकी है और हम घर पे पहुंच चुके हैं, मैं और नरेश। तो आपने जो पूरा व्लॉग देखा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपके लिए कैसा लगा, और कौन सा पार्ट आपके लिए इस व्लॉग में अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आई होप कि आपके लिए वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड बाय।